आज 8 नवंबर है साथियों, और आज से 3 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी 8 बजे टीवी में आए थे और आकर डायरेक्ट उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया था कि 500 का और 1000 का नोट अब रत्ती हो गया है, कागज का टुकड़ा हो गया है। जो टूरिस्ट बाहर गए थे घूमने, जो मरीज अस्पताल में थे, और जो स्टूडेंट्स को स्कूल की या कॉलेज की फीस भरनी थी, बैंकों के सामने लाइन लग गया, कईयों की मृत्यु हो गई, साथ साथ में पूरा एटीएम खाली हो गया, और एक अकाल जैसी स्थिति इस देश में निर्मातित हुई। प्रधानमंत्री जी आए टीवियों में, क्योंकि टीवी में ज्यादा पाए जाते हैं, आए और एक फिर जुमला उन्होंने देश की जनता को रो रो कर दिया कि मुझे 100 दिन दो, उन 100 दिनों में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो 100 दिन हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ ठीक नहीं हुआ, आज तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये काला अध्याय आपने आज से 3 साल पहले आज ही के दिन लिख दिया था। और मैं समझता हूं कि ये 8 नवंबर एक काला दिवस है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था की हत्या करने की शुरुआत की थी, जिसका भुगतान आज इस देश की जनता भुगत रही है। जीडीपी पूरे कुएं में गिर चुकी है। आपने तो कहा था क्या कि नोटबंदी करने से आतंकवाद कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन कम होगा, और साथ साथ में आपने ये भी कहा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सब विषयों पे आपका क्या कहना है। आप ही के नेताओं के घरों में 2000 के करोड़ों करोड़ों के मात्रा पे नोट निकल रहे हैं। आतंकवाद की बात करते हैं, पुलवामा में अटैक हुआ है, और जो पुलवामा में अटैक हुआ, आरडीएक्स इतना टन लेकर हमारे देश के अंदर घुस गए और हमारे वीर जवानों को शहीद कर दिया, और उनके सहारे देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नाम लेकर आप सत्ता में दोबारा आ गए। 56 इंची सीना जी, आप बताएं हमें कि इस देश की हालत आपने क्या कर दी है। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ था, पूरा नुकसान हुआ है। चारों तरफ अर्थव्यवस्था, महंगाई, हर चीज में आज आपकी सरकार विफल हुई है, और इन 3 साल में हमने देख लिया है कि आपका नोटबंदी जैसी नीति भी आपकी बहुत ज्यादा घटिया थी, जो देश की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था पे प्रहार की है, और देश की जो जीडीपी है आज वो खाई और कुएं में गिरी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये काला दिवस है, काला दिन है, और मोदी जी को समझना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, वेकअप मोदी जी। धन्यवाद।